वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला, ज़्यादा कोई खास नहीं है, बट एक संदेश देना चाहता हूँ जो जिनका एग्जाम्स होने वाला 10th और 12th में। फ्रेंड्स, उनके लिए उनको मैं थोड़ा सा संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि ये 10th और 12th का जो एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी लाइफ के लिए, और वो वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने 10th वेट कर लिया तो आपको 11th में एडमिशन मिल जाएगा, 12th में एडमिशन मिल सकता है। आप ITI कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। बट आपने अगर उसको वेट नहीं किया, आपने खेलने कूदने में और अपना समय बर्बाद कर दिया, ऐसे निकाल दिया ना, तो फ्रेंड्स बहुत आगे चल के दिक्कत होने वाली है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप 10th और 12th का जो भी जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, थोड़ा सा मन लगा के अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, थोड़ा सा ही समय है, बट अगर थोड़े से में ही आप अगर रोज़ अगर 10 क्वेश्चन भी याद करते हैं ना, तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग हज़ारों क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आप आराम से उस क्वेश्चन आप अपना 10th और 12th को बीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बता दूँ, अगर ये 2 साल आपको बहुत अच्छे से मेहनत करके अपने को बीट करना है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि अगर आपने इसको व्यर्थ गंवा दिया तो फ्रेंड्स आपको जीवन भर पछताना है। ये आप जीवन भर पछताना चाहते हैं या आप दो साल कष्ट करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है, आपका फैसला है। फ्रेंड्स दोस्तों, आपने अपने आप को और आगे ले जाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, कुछ करना है यार, कुछ कर दिखाना ही होगा। अगर जब तक आप कुछ कर दिखाएंगे नहीं, लोग तो बोलते रहे यार ये तो वैसा है, वो तो वैसा है, लोग भला बुरा कहते रहते हैं, बट उन सबका कुछ भी सुनना नहीं है। आप दो साल अपने आराम से मेहनत कर लीजिए, 2 साल थोड़ा कष्ट कर लीजिए, उसके बाद जीवन भर आराम ही आराम करना है। अगर आपने 2 साल आइस करने में गंवा दिए फ्रेंड्स, तो आपको पूरा जीवन कष्ट ही कष्ट उठाना है, क्योंकि आप अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, आपको आगे अच्छी जॉब मिलेगी, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आपका माइंड तेज़ होगा, दिमाग फ्रेश होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। दो ही महीने बचे हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आप लग जाइए, आज से ही जुट जाइए, खेलिए कूदिए, सब चीज़ घूमिए फिरिए, हर कहीं जाइए, लेकिन एक टाइम आप बना लीजिए कि हमको इस टाइम पे आके अपने को पढ़ाई करना है, तो पढ़ना ही है, पढ़ना है तो पढ़ना है। आप भले 1 घंटा 2 घंटा पढ़िए, लेकिन बट जब पढ़ना तो अपना माइंड ओपन करके ध्यान से पढ़िए, ताकि जो भी होगा दिमाग में अपने अंदर सेव होता जाए, और ध्यान से जब पढ़ेंगे तो ज़रूर सेव होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर पढ़ते ही रहो या दिन भर कुछ करो ही ना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको खेलने का समय, खेलने जाइए, जहाँ भी घूमने का दिल करे घूमने जाइए, बट पढ़ने के समय पे आप पढ़ाई ध्यान से कीजिए, ताकि अपने आप अच्छे से रिजल्ट लाइए, माँ बाप भी खुश होंगे, यार लोग भी सोचें यार लड़का कितना तेज़ है पढ़ने में, यार स्कॉलरशिप भी मिलती है, और इंजीनियरिंग वगैरह भी करके सब आपको एडमिशन भी आगे मिलेगा। अगर आपने ये वेट नहीं किया, अगर फेल हो गए, तो फ्रेंड्स कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे चल के कभी ये करना कभी वो करना, यार मेहनत के काम बहुत करने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा यार, बहुत कुछ झेलना पड़ता है यार। फ्रेंड्स, तो आप 2 साल अपने कष्ट कर लीजिए, जीवन भर आराम कीजिए, और या तो फिर आप 2 साल आइस कर लीजिए, जीवन भर कष्ट कर लीजिए, आपके हाथ में फैसला है। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बस थोड़ा सा संदेश देना चाहता था आप लोगों को कि थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए, क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न में चल रहा है। मैं जानता हूँ कि खेलने कूदने में ज़्यादा करके बच्चे भागते हैं, बट खेलने कूदते जाइए, सब चीज़ कीजिए, बट थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में भी सोचते रहना, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है दोस्त जीवन जीने के लिए। तो फ्रेंड्स, बस ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना ज़रूर कर देना, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हो सके तो अपनी फ्रेंड्स लोगों को और दोस्त लोगों को भी बताना, शेयर करना, ताकि वो भी थोड़ा छोटा सा वीडियो देख के, हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए या किसी का लाइफ भी चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स, मदद करने से कुछ जाता नहीं है, आप ज़रूर हेल्पफुल बनना चाहिए यार, इंसान होने के नाते दूसरों की मदद तो करना ज़रूरी है हमारे लिए। फ्रेंड्स, ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही है फ्रेंड्स, तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।